रीवा जिले में एक ऐसा गांव जिसका नाम भी गांव वाले नहीं लेते। अगर इस गांव में किसी को आना होता है तो बस या ऑटो वाले को गांव का नाम ना बताकर आसपास के गांव का नाम बताकर पहुंचता है। फिलहाल गांव के लोगों ने स्वयं से इस गांव का नाम परिवर्तित कर दुर्गा नगर रख लिया है और आज गांव के दुर्गा मंदिर परिसर में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, सांसद जनार्दन मिश्रा और गुण विधायक नागेंद्र सिंह से गांव के लोगों ने गांव के नाम को शासकीय रिकॉर्ड में भी परिवर्तित कर दर्ज कराने की मांग की है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने गांव के नाम को बदलने की सहमति भी दी। रीवा जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर गुड़ विधानसभा क्षेत्र में लक्ष्मणपुर के पास स्थित एक ऐसा गांव जिसका नाम लेने पर भी गांव के लोग शर्माते हैं, क्योंकि उस गांव का नाम ऐसा है जिसे लेने से शर्मिंदगी महसूस होती है। कई वर्षों से गांव के लोग गांव के नाम को लेकर सर्वसार होते रहे, गांव का नाम बताने पर हंसी का पात्र होते हैं और इसलिए ग्रामीणों ने गांव का नाम लेना ही बंद कर दिया और अब जब भी किसी को अपने घर का एड्रेस देना हो तो अपने गांव का नाम ना बताकर आसपास के गांव का नाम ले लेते हैं। लेकिन मन में कहीं ना कहीं गांव के नाम को लेकर पीड़ा थी और आज वो पीड़ा विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखी गई। गांव के नाम पर शर्मिंदगी महसूस करने वाले ग्रामीणों ने गांव का नाम बदलकर दुर्गा नगर कर दिया और अब इस गांव को शासकीय रिकॉर्ड पर भी परिवर्तित कर दुर्गा नगर रखने की मांग विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखी। विश्व स्तर पे वो नाम पहुंचा दिया तो लोकल स्तर पे नाम हटाना थोड़ा सा कठिन है। हमारे सांसद जी ने उस गांव के नाम को पूरे देश में फैला दिया, बड़ा ऊंचे तक चला गया। फिर भी मैं नाराबाई नागेंद्र सिंह जी से आग्रह करना चाहता कि विधानसभा में नियम प्रक्रिया है इसकी, वो कोई चीज लाकर के विधानसभा में नाम है और हमारी जो क्षमता हमारी शक्ति उसके आधार पर उसको करने का प्रयास करो। वैसे भी आप कह रहे थे कि जिला योजना समिति के सारे हम लोगों ने नाम का प्रस्ताव पत्र दिया, पहले से ही जिला योजना समिति में हम सब बैठे थे, शायद वो नाम चेंज हुआ कि वो कहाँ रह गया उसको हम देखते हैं कि कैसे हो सकता। एक शौचालय को अपने हाथ से साफ किया था वो यही काम और इस गांव में शौचालय को सांसद महोदय ने साफ किया पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई। हमारी जो सरकारें हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आस पास के जो गांव के लोग हैं, उनकी सरकारें हैं, वो हमेशा याद रखेगी कि भारतवर्ष में जिस तरह एक गांव के लोग किसी तरह अपने गांव के नाम नहीं लेते थे, उसी तरह एक अध्यक्ष भी ऐसे थे जिन्होंने सार्वजनिक रूप से मंच में उसी गांव में जाकर इस गांव का नाम बदलने की दुर्गा नगर समिति की घोषणा की।